नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 अक्टूबर के सुबह 11 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से दो बड़े दुर्लभ संयोग का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय मंगलवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार का पावन दिन पवन पुत्र हनुमान के नाम से अर्पित है। जी हाँ दोस्तों, यश में हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करते हैं, कुछ ऐसे उनके जीवन काल में चमत्कार करते हैं जिनसे उनका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहता है। उन्हें भी जीने का आश रहता है, उनके कर्मों का फल भी मंगलवार के दिन हनुमान जी देते हैं। जी दोस्तों, और यश में आयुष्मान नाम का जो दुर्लभ संयोग है आप सभी के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी प्रकार की आर्थिक तंगियां खत्म होंगी। घर से जुड़े सभी प्रकार के जो भी नोक झोंक है, पैसों को लेकर जो भी किल्लत है, जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं दोस्तों, उन सभी में यश में आपको लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि महाबली हनुमान जी संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। यश में हुए सभी आपके संकटों को हरने वाले हैं और आपके जीवन काल में खुशियां आपको प्रदान करने वाले हैं। बशर्ते दोस्तों अब आपका दायित्व होता है कि ये समय जो है आपके लिए इनका सही तरीके से सदुपयोग में लाएं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप जानेंगे कि यश में जो बदलते ग्रहों की चाल है इनके साथ आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधानी होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में कड़ी मेहनत और परीक्षा का समय होगा। यश में आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, वे आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। कुछ समय आत्म केंद्रित होकर अपने बारे में चिंतन में समय को व्यतीत करें, आपको कई उलझे हुए सवालों का में जवाब प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अकारण ही मन में कुछ उदासी जैसी स्थिति भी रह सकती है। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन ना करें। दोस्तों यश में इन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, नजदीकी संबंधियों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न होने से आपसी संबंध भी खराब हो सकते हैं। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्यरूप देना भी आपके लिए यश में आवश्यक होंगे, तो दोस्तों यश में आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पैसे की कमी आपको थोड़ी सी महसूस भी कभी कभी होगी, परिवार की जरूरतों पर अधिक पैसा खर्च भी होगा, लेकिन जिसके द्वारा जीवन शैली में आ रही बदलाव भी आपको नजर आएगा। दोस्तों परिवार के लिए किसी को आपके सहायता की जरूरत भी हो सकती है, दोस्तों उनको मदद करने से पहले आपको अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी कमी आ सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों जितना आपके पास क्षमता है, जितना आप चाह सकते हैं कि इतना हम दे सकते हैं, इतना मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों उतना ही आप यश में मदद करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके स्वयं के द्वारा ही लिए गए निर्णय ज़्यादा उचित रहेंगे, दूसरों पर निर्भर यश में आप ना रहें। ये जो समय है आपके लिए अपने व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी को निखारने का समय होगा और इनमें काफ़ी हद तक आपको उपलब्धि भी हासिल होगी, परंतु दोस्तों अपने अहम के ऊपर नियंत्रण रखें, इस बात पर आपको गौर करें और इसकी वजह से आपको जो है मान हानि हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे कार्यों से आपको इसमें बचना चाहिए जिनमें आपको क्षति हो रही है। दोस्तों कुछ समय अपने परिवार व अपने नजदीकी संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाने में भी व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक होंगे। इसको प्रणाम दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि मन में बढ़ रहा तनाव आपके लिए तकलीफ का कारण होगा।
यह जो समय है, किसी विषय में सोचते समय आपको यह ध्यान रखना है कि केवल आप अपने विचारों में ही खो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको परिस्थिति में कठिनाइयां नजर आ रही है, या फिर सच में परिस्थिति इतनी ही कठिन है। जब तक इस बात का अवलोकन नहीं होगा, तब तक आपको मार्ग प्राप्त होना मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, यश में अपने इन्हीं बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि सामाजिक गतिविधियां में आपका अधिकतर समय भी व्यतीत होगा। परिवार में चल रही अस्वस्थता को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण कदम भी यश में उठाएंगे। किसी शुभ चिंतकों का आशीर्वाद आप और फिर शुभकामनाएं आपको यश में वरदान की तरह महसूस होगा। पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार की अनबन रह सकती है, तो दोस्तों संबंधों में खटास ना आने दें। किसी से बातचीत करते समय अपने शब्दों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों आपको बता दें कि कटु भाषा का प्रयोग करना आपके लिए इसमें उचित नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें अपने वाणी पर भी संयम रखें। अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के समक्ष सार्वजनिक ना करें। इसको प्रांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि हर बात और हर निर्णय में संभल कर आगे बढ़ने पर यश में आपको जो है सफलता प्राप्त होगा। अभी तक आपने जो भी लक्ष्य रखे थे उनके बारे में अवलोकन किया भी जाएगा। दोस्तों आपकी वजह से किसी का भी नुकसान ना हो, इस बात की जिम्मेदारी आप हमेशा से ही लेते हैं। फिर भी दोस्तों कुछ हद तक लोग अपने निर्णय की वजह से ही नुकसान के लिए जिम्मेदार होते हैं, इस बात को भी आप समझें। इसको बना दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अपने ही बारे में सोचें तथा अपने लिए ही काम करें। इस बात पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी इसमें हासिल होने वाली है। कुछ पारिवारिक विवाद भी सुलझाने के लिए समय अनुकूल है। संतान की शिक्षा और करियर से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार विमर्श भी इसमें होगा। परंतु दोस्तों आकस्मिक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जहाँ पर कटौती करना संभव नहीं होगा। इसमें बहुत अधिक सोच विचार करके अपने कार्यों को अंजाम दें। अनावश्यक ही किसी की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त भी हो सकती है, तो दोस्तों यश में सावधान रहना होगा। इसको बाद दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपका अधिकतर ध्यान पेशे से संबंधित बातों में ही अटका होगा। काम करने के बावजूद भी पेशा ना देख पाना आपको इसमें थोड़ा सा तकलीफ भी दे सकता है। जिन लोगों से उधार लिया है उनको वापस करने के लिए प्रयत्न आपके द्वारा यश में किए भी जाएंगे। आपको केवल ध्यान और एकाग्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष व फिर परिश्रम आपको करना होगा। कुछ चुनौतियों भी आपके सामने आने वाली है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके ऊपर इसमें महत्वपूर्ण कार्यभार भी आने की वजह से आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, व्यक्तिगत बातों की वजह से काम को नजरअंदाज भी यश में किया जा सकता है, तो दोस्तों यश में इन पर ध्यान दें। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक व्यवस्था की वजह से भी बिजनेस में ज़्यादा ध्यान भी आप इसमें नहीं दे पाएंगे। परंतु दोस्तों कर्मचारियों का सहयोग कार्य क्षेत्र की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाय में कोई भी डील करते समय अच्छी तरह से उन्हें जांच पड़ताल जरूर कर लें। दोस्तों ये आपके करियर के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होंगे और काम से संबंधित प्रयत्न भी इसमें आपको बढ़ाने होंगे, जिसकी वजह से आर्थिक आवक भी बढ़ेगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी इसमें सुधरने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में नवीकरण संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी और ये बदलाव आपके लिए आपके बिजनेस के कामों में सफलता देगा। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल स्वयं करें। दूसरों पर विश्वास करना इसमें आपके लिए ज़्यादा ठीक नहीं होगा। किसी पारिवारिक व्यवस्था की वजह से जो है कुछ महत्वपूर्ण काम भी इसमें रुक सकते हैं, तो दोस्तों यश में परिवार के साथ साथ आपको काम पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में बिजनेस के काम में प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाकर रखें। दोस्तों साझेदार संबंधी बिजनेस में योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु यह भी ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर भी हाथ से निकल सकता है या फिर डील कैंसिल भी हो सकती है, तो दोस्तों यश में लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको प्रांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में समय बर्बाद ना करें तथा अपने करियर पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में आपके निर्णय के प्रति पार्टनर की नाराजगी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है।
कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि पति पत्नी की बेहतर समझ भी बना रहेगा। दोस्तों के साथ मेल मिलाप दिन को और भी खुशनुमा बनाएगा। इसके साथ दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि अपनी भावनाओं को पार्टनर के सामने व्यक्त करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों कोशिश अगर करेंगे तो यह भी हो सकता है। इसको प्राप्त दोस्तों यश में अपनी किसी भी समस्या को जीवन साथी अथवा घर के अनुभवी व्यक्ति से अवश्य शेयर करें, आपको उचित समाधान भी प्राप्त होगा। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति जो है सजग रहें, उनका आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसको प्राप्त दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच किसी वजह से थोड़ी सी बात बात भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बदलते ग्रहों की चाल में ये भी प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों बेहतर होगा कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और अपना सम्मान करें। दोस्तों एक दूसरे का सम्मान ही दोनों के प्रेम संबंधों को और भी मधुर रखेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगढ़ता रहेंगी। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में थकान की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। योगा और व्यायाम आपको इसमें करना चाहिए, ये आपका उत्तम इलाज होगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए खुले हवा में समय बिताना भी आपके मन को प्रसन्नता देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी प्रकार की चोट लगने या फिर गिरने जैसी आशंका भी लग रही है, सावधान रहें तथा बेहतर होगा कि वाहन का प्रयोग यश में आप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें, यूं तो आपका स्वास्थ्य यश में उत्तम रहेगा, फिर भी अपनी खान पान तथा दिनचर्या को संतुलित बनाकर रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होंगे।